नमस्कार मित्रों, साई एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज का आपका जीके लाइव टेस्ट सेशन नंबर कौन सा है भाई? 49। तो सेशन नंबर 49 जीके लाइव सेशन नंबर 49 आज का। तो आज का आपका क्वेश्चन नंबर एक, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट है कि 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? चार विकल्प, नरेंद्र मोदी, पीजी कुरियन, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला। आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखते हैं इस पहले क्वेश्चन का आंसर किसने दिया है। तो 17वीं लोकसभा, पहली लोकसभा भारत में 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। प्रथम लोकसभा इस समय आपकी 17वीं लोकसभा सन 2019 में गठित हुई थी और इस लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला। भारत में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के बहुमत के द्वारा लोकसभा सदस्यों का, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। यह था आज का पहला प्रश्न। पहली लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर थे। क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम लोकसभा कब गठित हुई? तो 17 अप्रैल 1952 को भारत में प्रथम लोकसभा गठित हुई और इस समय 17वीं लोकसभा है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। चलिए साहब, आज का आपका क्वेश्चन नंबर दो, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? चार विकल्प, राष्ट्रपति, शासक दल के नेता लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। आज का आपका दूसरा प्रश्न कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? आज का आपका दूसरा प्रश्न, जिन लोगों ने उत्तर दिया वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष जो नियुक्ति करते हैं वो प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री
एवं जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, इन दोनों से परामर्श करने के पश्चात लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। वर्तमान में लोकसभा की जो महासचिव है यह स्नेहलता श्रीवास्तव है। लोकसभा की ये पहली महिला महासचिव है। क्वेश्चन आता है कि भारत की लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है, तो पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। ये पूर्व में नाबार्ड की जो कृषि विकास जो आपका बैंक है उस नाबार्ड की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी है। तो ये इससे पहले नाबार्ड की पूर्व अध्यक्ष थी और मध्य प्रदेश सरकार में आपका जो है केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में आधिकारिक तौर पर काम कर चुकी थी। अधिकारी के तौर पर, अधिकारी के रूप में लोकसभा की महासचिव है वर्तमान में। इसने लता श्रीवास्तव पहली महिला महासचिव भी है। इससे पहले कोई भी महिला महासचिव नहीं बनी थी। और प्रश्न है यहाँ पर लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति इस प्रश्न में इसका उत्तर लोकसभा अध्यक्ष और किसकी परामर्श पर, तो प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के परामर्श पर लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। तो समझ में आ गया होगा, विश्लेषण हो गया आपका। आज का जीके लाइव टेस्ट सेशन नंबर 49 चल रहा है और अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो विश्लेषण भी हो रहा है साथ के साथ। जब विश्लेषण करते हैं किसी का तो याद हो जाता है हमको, ठीक है ना, विश्लेषण इसलिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, चार विकल्प, प्राकृतिक गैस 1, कोयला 2, खनिज तेल। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक गैस 1, कोयला, खनिज तेल। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आज का आपका तीसरा प्रश्न नवीकरणीय संसाधन, तो बता दिया जाए संसाधनों के बारे में दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन, जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उन संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन है प्रकृति में, वह प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके नवीकरणीय संसाधन, दूसरे आपके अनवीकरणीय संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनवीकरण संसाधन वह होते हैं जिनकी पुनः प्राप्ति संभव नहीं है। तो जिनकी पुनः प्राप्ति संभव नहीं है उनको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जिनकी पुनः प्राप्ति संभव है उनको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब आप देखते हैं इसमें प्राकृतिक गैस यदि एक बार समाप्त हो जाए तो क्या दोबारा प्राप्त हो सकती है। अखबार में कई बार आप पढ़ते हो कि यदि इसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता रहा तो 2050-2060 तक इस विश्व में डीजल, पेट्रोल, कोयला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपने देखा अभी SBI ने ग्रीन कार लोन प्रारंभ किया। ग्रीन कार लोन प्रारंभ करने की क्या व्यवस्था थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कार है उसको बढ़ावा दिया जाए,
और जिससे कि प्रदूषण भी समाप्त हो और धीरे धीरे लोग पेट्रोल डीजल की कार से इलेक्ट्रिक कार पर आ जाए। तो क्यों? क्योंकि जो अनवीकरणीय संसाधन है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। सरकार ने सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी देने का प्रावधान क्यों किया? तो उसका मकसद भी यही था सब्सिडी देने के प्रावधान का, ताकि जो अनवीकरणीय संसाधन है धीरे धीरे उन पर निर्भरता खत्म की जाए और हम जो नवीकरणीय संसाधन है उन पर आ जाए। जैसे सोलर सौर ऊर्जा है, नवीकरणीय है तो अनवीकरणीय, लेकिन कभी समाप्त नहीं होगी, दोबारा सूर्य निकलेगा, दोबारा आएगी। तो आपने देखा कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल डीजल, कोयला, ये आपका पेट्रोलियम, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, आपका पेट्रोल डीजल, एक ना एक दिन ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, जबकि आपका वन, लकड़ी, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भू ऊर्जा, ये सभी समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि अगर वन एक बार समाप्त हुए तो हम वनों को दोबारा उगा सकते हैं और 15-20 वर्षों में पुनः वन की लकड़ी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो समझ में आ गया होगा, जिन लोगों ने उत्तर बन दिया, वेरी गुड। ये था आज का आपका क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करते हैं अब आपका आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात शुरू करते हैं, आज का आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं? 4 विकल्प, 65 वर्ष, 60 वर्ष, 66 वर्ष, 62 वर्ष। आज का आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं? देखते हैं किसका उत्तर सही है। तो किसका उत्तर सही है बताइएगा। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो चेक करते हैं कि किसका आंसर इस समय सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आज का आपका जीके सेशन नंबर 49। गिरिराज किशोर जी का उत्तर है, मुकेश कुमार का है, गुड्डू सिंह का है, मुनीष यादव का है, बॉबी सागर 65, सोमवीर सिंह का उत्तर 65 और बिलाल खान का उत्तर 65, विकास राघव भी 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो, नहीं 65 ही, इसमें 6 वर्ष नहीं है। सोमवीर सिंह का उत्तर 65, रवि चौधरी का 65, ई लर्निंग क्लासेस 65, रोहित वर्मा का उत्तर 65, बॉबी सागर ओके। चलिए ठीक है, जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया, बाकी आप सभी लोगों का, सोमवीर सिंह गुड इवनिंग, जितने भी लोग इस समय लाइव है आप सभी लोगों का एक्सीलेंट की सीखने की दुनिया में स्वागत है, सभी के लिए गुड इवनिंग। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष ही है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है। तो ध्यान रखना है, बाकी
जो अधीनस्थ न्यायालय है वहां की आयु 62 वर्ष है। बंटी यादव 4A। चलिएगा बात करते हैं अब आपका अगला आज का पांचवा प्रश्न। तो आज का पांचवा प्रश्न शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा है किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। 4 विकल्प, समोच्च रेखीय जुताई द्वारा कृषि खाद का प्रयोग करके वनारोपण करके सस्यावर्तन द्वारा। देखते हैं पांचवें प्रश्न का उत्तर। रिंकू सिंह जी गुड इवनिंग, दानिश बातना वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का इस सीखने की दुनिया में। लगाइएगा, देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। लगाइएगा, देखते हैं तो इस प्रश्न का किन्होंने सही उत्तर दिया है। बॉबी सागर का उत्तर डी, रवि चौधरी का उत्तर सी, अनु शर्मा गुड इवनिंग, दानिश महात्मा का उत्तर बनारोपण द्वारा, बॉबी सागर का उत्तर डी, विकास राघव का उत्तर सी, मुनीष यादव का उत्तर डी, बिलाल खान का उत्तर सी, गुड्डू सिंह का उत्तर सी, ई लर्निंग क्लासेस का उत्तर सी, रोहित वर्मा का उत्तर सी। तो चेक करते हैं, देखिएगा इन सब का मतलब समझिएगा, क्योंकि आप प्रश्न को रटो मत बल्कि प्रश्न को सीखो और उसको समझो। जब समझोगे सीखोगे टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उत्तर तो आप अपने आप दे दोगे। मरुभूमि किसे कहते हैं? मरुभूमि का मतलब मरुस्थल, जहां की भूमि में 25% से कम जल होता है, जहां पर जल का अभाव होता है, जहां पर भूमि रेतीली होती है, जिसे आप रेगिस्तान कहते हो, और चंदोसी के पास के लोग इस खेत को भूड़ा कहते हैं। तो इस प्रकार की भूमि को मरुभूमि कहा जाता है। मृदा अपरदन, अपरदन का मतलब मिट्टी का कटना, मिट्टी का क्षय होना, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना कैसे रोका जा सकता है। समोच्च रेखीय जुताई द्वारा, समोच्च रेखीय का मतलब होता है जो जहां ऊंचाई समान है उसकी जुताई समान रूप से की जाए। तो ऐसा तो नहीं है मिट्टी तो कटेगी भाई। कृषि खाद का, खाद से प्रयोग करके मिट्टी कैसे रुक जाएगी? वनारोपण द्वारा, जब बल लगा दोगे, वृक्ष लगा दोगे, तो वृक्ष की जड़ें जो है वो गहराई तक चली जाएंगी और मिट्टी को बांधे रखेंगी। तो ये उत्तर इसका सही है। सस्यावर्तन जानते हो किसे कहते हैं? सस्यावर्तन कहते हैं क्रॉप रोटेशन, जिसको आप अपनी भाषा में इधर आपका उत्तर भारत में या पूरे भारत में सस्यावर्तन को फसल चक्र के नाम से जाना जाता है। एक निश्चित समय में निश्चित अवधि पर निश्चित क्षेत्र में निश्चित प्रकार की फसल को करना सस्यावर्तन कहलाता है, अर्थात उसको फसल चक्र क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ज्यादातर लोगों ने सी दिया, वेरी गुड, सही उत्तर। चलो स्टार्ट करते हैं साहब, अब आपका आज का छठा प्रश्न शुरू करते हैं। तो छठा प्रश्न क्या है देखते हैं आज के सेशन का। सेशन नंबर आपका 49 जीके लाइव टेस्ट इस समय चल रहा है और आज का छठा प्रश्न आपके सामने। छठा प्रश्न है कि निम्न में से किसकी अध्यक्षता, निम्न में से किसकी अध्यक्षता आ सदस्य
द्वारा की जाती है। चार विकल्प विधानसभा विधान परिषद लोकसभा राज्यसभा। चलिए भाई तो समझ में आ गया। ई लर्निंग क्लासेज अधिक से अधिक पढ़ों को लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यस स्वामवीर सिंह जी कह रहे हैं गुरुजी एक्सीलेंट कोचिंग कब खोल रहा है। अब देखते हो लगातार भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है तो हम नहीं चाहेंगे कि अभी किसी प्रकार का आप और हम रिस्क लें। तो अर्थात रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी आपकी पढ़ाई में हम कहीं कोई कमी नहीं करने जा रहे हैं। आपको हमने कल से नया टाइम टेबल लागू कर दिया है। जो पेड कोर्स करना चाहते हैं ऑनलाइन स्टडी पर वो हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वो जिस बैच में चाहेंगे उस बैच में हम उनको जोड़ देंगे। उसमें आपका टेस्ट, ये सब असाइनमेंट, होमवर्क, पीडीएफ सब मिलेगा और अच्छी सी। और आपके 4 घंटे तो हम आपको यूट्यूब पर देंगे ही देंगे कल से। तो चलिए साहब बिलाल खान, बिल्कुल सर, थैंक यू बिलाल खान जी। तो इस प्रश्न का उत्तर राज्यसभा, ज्यादातर लोगों ने तो राज्यसभा बिल्कुल। देखिएगा विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो उसी सदन के सदस्य होते हैं। विधान परिषद का जो विधान परिषद सभापति होता है वो उसी सदन का सदस्य होता है। लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो भी उसी सदन के सदस्य होते हैं। जबकि राज्यसभा में जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। और जो उपराष्ट्रपति है वो इस राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अर्थात जब वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है तो यही प्रश्न है कि निम्न में से किसकी अध्यक्षता आ सदस्य द्वारा, आ मानी नहीं सदस्य मानी सदस्य, यानी कि उसके सदस्य के द्वारा नहीं की जाती है। जैसे आपने देखा कि एम वेंकैया नायडू उस राज्यसभा के सदस्य थे जब उपराष्ट्रपति बने थे तो उनकी सीट खाली हो गई और उसके उनके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को वह राज्यसभा सदस्य उसी क्षेत्र से बनाया गया था। अर्थात भारत में केवल यही एक सदन ऐसा है कि जिस सदन का सभापति उस सदन की अध्यक्षता, उस सदन का हेडमास्टर तो होता है लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जितने लोगों ने डी दिया, वेरी गुड, तो इसका ज्यादातर लोगों ने डी दिया। बिलाल खान सर आज चौदोसी में कुछ कोरोना केस निकले हैं। हाँ जी बिल्कुल निकले हैं। तो राज्यसभा अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा जो सदन का सदस्य नहीं होता है, वेरी गुड। ये था आज का आपका क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं अब आपका आज का क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें ये याद कराना है आपको सब, 25 क्वेश्चन रोज याद कराने का एक सिस्टम आपके साथ हमने बनाया हुआ है। 1 मई से इस सिस्टम को शुरू किया गया था, आज 49वां सेशन चल रहा है। तो चलिएगा आज का आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है प्रतिरक्षण निष्क्रिय, प्रतिरक्षण निष्क्रिय किसका प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की प्रति रक्षियों को बनाने की एक परिघटना है। चार विकल्प रसायनों, रुधिर, प्रतिजनों प्रतिरक्षियों। तो आज का आपका 7वां प्रश्न, बताइएगा
आज के आपके साथ में प्रश्न का उत्तर, देखते हैं किसका उत्तर सही आ रहा है। प्रतिरक्षण निष्क्रिय का, निष्क्रिय किसका प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने की एक परिघटना है, यानी कि प्रतिरक्षण निष्क्रिय किसका प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाया जाता है। प्रतिरक्षी का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो बनाए जाते हैं वो किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं, तो प्रतिरक्षण निष्क्रिय में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है वो एंटीजन का प्रयोग करके किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका वो प्रतिजन, क्वेश्चन नंबर 7 का सी। लोकेश सैनी, जय हिंद। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभा को सभापति सुनती है। लोकेश सैनी का उत्तर सी, सोमवीर सिंह का सी, राहुल वर्मा का उत्तर सी, अजीत सिंह का उत्तर सी, नदीम मोहम्मद सैभी का उत्तर ए, बिलाल खान का उत्तर सी, महात्मा का उत्तर प्रतिजन अनु शर्मा का उत्तर ए, अजीत सिंह का उत्तर सी, गुड्डू सिंह का उत्तर डी। तो जिन लोगों ने सी उत्तर दिया, वेरी गुड। तो प्रतिरक्षण निष्क्रिय हमारी बॉडी के अंदर, देखिएगा हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज कब बनती है, जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो एंटीजन से ही एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर प्रतिजन यानी कि उत्तर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये था आपका आज का क्वेश्चन नंबर 7 और अब चलते हैं आपका आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 4 विकल्प, पहला विकल्प वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, दूसरा विकल्प वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, तीसरा विकल्प पन्नीकर और कुंजरू, चौथा विकल्प एस के धर और फजल अली। आज का आपका 8वां प्रश्न, देखते हैं, लगाइएगा 8वें प्रश्न का उत्तर, देखते हैं किसका सही उत्तर आ रहा है। लगाइएगा आज का आपका 8वां प्रश्न, देखते हैं साहब, लगाइएगा। देखते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका दानिश महात्मा पटेल और बीपी मेनन, छवि राणा का उत्तर बी, बिलाल खान का उत्तर बी, विकास राघव का उत्तर पटेल और मेनन, रोहित चौधरी, जय हिंद, फ्यूचर ट्रिक का उत्तर बी, मुनीष यादव का उत्तर बी, सोमवीर सिंह का उत्तर बी, नदीम मोहम्मद सैफी का उत्तर बी, लर्निंग क्लासेस का उत्तर ए। तो चलिएगा बता देते हैं आपको गुरुजी एक्सीलेंट कब खुलेगा। सोमवीर सिंह इसका उत्तर हम दे चुके हैं, जुलाई में तो मुश्किल ही है, तब तक आप ऑनलाइन पढ़िए, कहीं कोई समस्या है तो आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस हमसे मिलने। भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन थे। आप लोगों ने वल्लभ भाई पटेल का नाम तो सुना ही है,
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री, जिनको भारत में एकता के रूप में जाना जाता है। लेकिन उस समय विपिन मेनन एक आईएएस अधिकारी थे, उस समय आईएएस को आईसीएस बोला करते थे। ये भारत में लॉर्ड माउंटबेटन और उनसे पहले लॉर्ड बेवेल, इन दोनों के ही ये सलाहकार रह चुके थे। यानी कि बीपी मेनन भारत में अंग्रेज वायसराय की सचिवालय में सचिव के रूप में, एक आयुक्त अधिकारी के रूप में ये सलाहकार की पद पर रह चुके थे। जब भारत में, भारत को संवैधानिक सलाहकार और संविधान के निर्माण की प्रक्रिया थी, तब इनको सुधार आयुक्त के पद पर भेजा गया था और भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर इन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद ये जवाहरलाल नेहरू से नाराज हो गए थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल ना होकर इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पार्टी बनाई थी। लेकिन चूंकि उस समय इतना सब कुछ नहीं था, लोग केवल कांग्रेस को समझते थे और कांग्रेस ने भी आजादी के नाम पर वोट लिए थे, अतः देखा जाए तो उस समय बीपी मेनन वो व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के साथ अधिकारी के तौर पर काम कर चुके थे। तो बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों की भारत की रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। शुरू करते हैं आज का आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये आज का आपका क्वेश्चन नंबर 8 और अब शुरू होता है भाई साहब आपका क्वेश्चन नंबर 9। बताना है निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है। चार विकल्प, एस्केरिस, दूसरा विकल्प कैचुआ, तीसरा विकल्प हाइड्रा, चौथा विकल्प फैसियोला। तो निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है, यह आपको बताना है। एक पोषीय परजीवी, तो समझ लीजिएगा सबसे पहले तो कि एक पोषीय परजीवी कहते किसे हैं। एक पोषीय परजीवी उसे कहते हैं जो कि अपना समस्त जीवन चक्र केवल एक ही पर आश्रित होकर गुजार देता है। वह दूसरे पोषद का या दूसरे चक्र का इस्तेमाल नहीं करता, उसे एक पोषीय परजीवी कहते हैं। अब परजीवी कौन होते हैं, तो देखिएगा सहजीवी, स्वजीवी, परजीवी, ये सब क्या है, मृतोपजीवी। तो देखिए, एक तो आपके सहजीवी, एक आपके परजीवी, एक आपके मृतोपजीवी, एक आपके स्वजीवी, अर्थात जो स्वयं पर आश्रित होते हैं वो स्वजीवी, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं परजीवी, जो परस्पर आश्रित होते हैं वो सहजीवी, और जो मरे हुए पर आश्रित होते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। फिर से सुनिएगा, जो स्वयं पर आश्रित स्वजीवी, जो दूसरे पर आश्रित वो परजीवी, जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हम उन पर और वो हम पर,
उनको बोलते हैं सहजीवी, और जो मरे हुए पर आश्रित उनको बोलते हैं मृतोपजीवी। तो यहां पर परजीवी, अब कैचुआ और हाइड्रा तो भाई साहब परजीवी है नहीं, अब फैसियोला परजीवी है। तो फैसियोला जो होता है वो सुअर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा दो जगह अपना चक्र पूरा करता है, और ये एक ही चाहिए मुझे, तो फैसियोला भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि दो परजीवी हैं। तो एस्केरिस मनुष्य की आत्मा अपना चक्र पूरा करता है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो जो कह देते हैं कि इसके पेट में कीड़े हो गए, तो वो जो पेट में कीड़े होते हैं वो उन कीड़े क्या होते हैं, वो एस्केल्मेंथी संघ के जंतु, उनका नाम एस्केरिस होता है। तो समझ में आ गया साहब इस प्रश्न का सही उत्तर, निम्न में से कौन एक पोषीय परजीवी होते हैं? तो एस्केरिस जो होते हैं वो एक पोषीय परजीवी होते हैं। चलो साहब, कैचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। तो अगला प्रश्न ये था आज का आपका नवा प्रश्न, शुरू करते हैं आज का आपका क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं साहब, आज का क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा वायसराय, निम्न में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा की दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था, एक दोषी का शिकार बन गया था। चार विकल्प, लॉर्ड रिपन, दूसरा विकल्प लॉर्ड लिटन, तीसरा विकल्प लॉर्ड कर्जन, चौथा विकल्प लॉर्ड मेयो। बताइएगा आज का आपका दसवां प्रश्न, देखते हैं किसका आंसर सही है। दसवें प्रश्न का आंसर किसने सही दिया है लगाइएगा, देखते हैं दसवें प्रश्न का सही आंसर। तो दसवां प्रश्न आज का आपके सामने है, देखते हैं इस दसवें प्रश्न का सही उत्तर किसका आया है। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का मतलब एक अपराधी का शिकार बन गया था। एक इनमें ऐसा वायसराय था जो अंडमान घूमने गया था, वहां पर अपराधी जो था वो घूम रहा था। चूंकि पहले क्या होता था, जैसे आपने सुना ना, काले पानी की सजा दे दी जाती थी, तो काले पानी की सजा में जो कुख्यात सेल्यूलर जेल थी वो अंडमान में थी, तो उसको समुद्री यात्रा से पार करते हुए उस टापू पर छोड़ दिया जाता था। वहां पर उस टापू पर ये वायसराय घूमने गया, उस अफगान नाम के कैदी ने उसको चाकू घोंप दिया और उसकी मृत्यु कर दी थी। तो इस तरह से ये प्रश्न आपके इतिहास में बन गया कि इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। द्विजेंद्र यादव का उत्तर बी, ई लर्निंग क्लासेस का उत्तर लॉर्ड मेयो, पिंकी चौधरी का उत्तर डी, बंटी यादव शेर खान यानी शेर खान वो मारने वाला था बिल्कुल, बॉबी सागर का उत्तर डी, इंजीनियर इकबाल अली का उत्तर डी, लर्निंग क्लासेस का उत्तर डी, बंटी यादव का उत्तर डी, दानिश फातिमा का उत्तर लॉर्ड मेयो, मुनीस यादव का डी, तो ज्यादातर लोगों का उत्तर डी। तो चलिएगा बिलाल खान, कैचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरेटोआ पास्तुआ होता है। हाँ जी, तो चलिएगा, तो समझिए अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने जिन्होंने दिया डी लॉर्ड मेयो, वेरी गुड। बात करता हूं जो इस समय आपके सामने इस विकल्प के रूप में दिए गए हैं। लॉर्ड रिपन भारत में 1880 में आया था, 1884 तक भारत में लॉर्ड रिपन रहा था। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 4 वर्ष का था। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी और इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। तो भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला कौन था? लॉर्ड रिपन था। और इसने भारत में नियमित दशकीय जनगणना को भी प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। भारत में
फैक्ट्री अधिनियम भी लॉर्ड रिपन के द्वारा बनाया गया था और भारत में एक प्राथमिक शिक्षा को सुधार करने के लिए 1882 में हंटर कमीशन बनाया गया, वो भी लॉर्ड रिपन के द्वारा बनाया गया था। लॉर्ड रिपन को भारत में सुधारक की भूमिका के रूप में जाना जाता है। इसने भारत में इलवर्ड विधेयक पेश किया था, लेकिन इलवर्ड विधेयक में भारत में अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण इसे वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। इसकी आलोचना की गई थी। तो इस तरह से देखा जाए लॉर्ड रिपन से कितने क्वेश्चन आते हैं। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, वर्नाक्युलर प्रेशर समाप्त कर दिया, इल्बर्ट विधेयक पारित कराया और इसके अलावा इसने दशकीय जनगणना प्रारंभ की थी। लॉर्ड लिटन के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था वो 1876 से और 1880 तक था। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल, ये भारत के वायसराय थे। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जब 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात 1 नवंबर 1858 को भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के हाथ में पहुंच गया, तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय घोषित कर दिया गया था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया था। लॉर्ड लिटन 1876 में आया था और 1880 तक रहा था। इसी के जमाने में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसी ने भारत में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था और भारत में लॉर्ड लिटन के द्वारा ही भारत की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिटन के बाद बात करता हूँ लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन भारत में 1899 में आया था और सन 1905 तक रहा था। लॉर्ड कर्जन को भारत में बंगाल विभाजन के रूप में जाना जाता है। इसने 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम का गठन किया था और इसके पश्चात लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया था और सन 1904 में इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। लॉर्ड मेयो की बात करता हूं। लॉर्ड मेयो जो था वो भारत में 1869 में आया था और 1872 में इसकी हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो ने भारत में प्रथम जनगणना कराई थी, जबकि प्रथम दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन ने कराई थी। भारत में लॉर्ड मेयो को मेयो विश्वविद्यालय इसने खोला था, कृषि विभाग का स्थापना की थी और इसने वित्तीय विकेंद्रीकरण को भारत में प्रोत्साहित किया था। तो ये थी बात भारत में लॉर्ड मेयो की। तो चलिएगा, इसका उत्तर समझ में आ गया होगा, प्रश्न का विश्लेषण भी हो गया और अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो ये नहीं है, प्रश्न ऐसे याद नहीं होते कि इसका उत्तर ए इसका बी, रटने से याद नहीं होते, बल्कि उसके बारे में कुछ दाएं बाएं की बातें अगर आपको समझ में आती हैं और दाएं बाएं की बातें सीखने को मिल जाती हैं तो आप जान लीजिए कि वो प्रश्न आपको हमेशा हमेशा को याद हो जाता है, अन्यथा याद करने में समस्या आती है। अगला प्रश्न शुरू करता हूं। निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण, 11वां प्रश्न, निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? चार विकल्प, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल। निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? आज का आपका 11वां प्रश्न, बताना है बिलाल खान ने कहा भारत में सांख्यिकी बोर्ड का गठन भी लॉर्ड मेयो ने किया था। सांख्यिकी दिवस से महालनोबिस के जन्म उत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल, पीसी महालनोबिस भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अध्यक्ष रहे थे तथा भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और आज नहीं बल्कि कल था इनका जो दिवस, क्योंकि आज 30 जून है और कल आपका 29 जून था, तो 29 जून को भारत में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिलाल खान जी,
ठीक है ना। तो चलिए साहब इसका प्रश्न का उत्तर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कलम से क्रांति HCl और कलम से क्रांति नमस्ते नदीम मोहम्मद सैफी का उत्तर सी। तो ज्यादातर लोगों का उत्तर ए है, इस प्रश्न का उत्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बता दिया जाए आमाशय, आमाशय जिसको आप पेट कहते हो, ये जो सामने से दिखता है ना जो बड़ा बड़ा हो जाता है, इसी को पेट कहा जाता है। तो ये जो आमाशय है, इस आमाशय में दो प्रकार की ग्रंथियां होती है भाई। तो आपके आमाशय में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक तो आमाशय में ग्रंथि होती है जठर ग्रंथि, और दूसरे टाइप की ग्रंथि होती है जिसको बोला जाता है पाइलोरिक ग्रंथि। जठर ग्रंथि से आपका जठर रस स्रावित होता है, इस जठर रस में पेप्सिन और रेनिन होता है, पाइलोरिक ग्रंथि में HCl अम्ल स्रावित होता है। आप लोग देखते हो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ पेट में तेजाब बनने लग गया, तो तेजाब जो बनने लग गया तो तेजाब का मतलब क्या हुआ, तेजाब का मतलब हुआ कि उसके पाइलोरिक ग्रंथि एक्टिव हो गई है, जिसके कारण उसके पेट में HCl की मात्रा बढ़ गई है। HCl जिसको आप नमक का तेजाब कहते हो, ये नमक का तेजाब की क्या आवश्यकता भाई साहब हमारे शरीर में, ये जो हमारा शरीर है ना, ये भी ऊपर वाले ने, ये भी प्रकृति ने पता नहीं ऐसा मशीन बनाया है कि जिसके समान इस पूरे विश्व में, पूरे संसार में और कोई मशीन नहीं है इस टाइप की। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो स्टोमक है उसमें जो HCl स्रावित होता है वो क्यों होता है, तो बता दूं HCl के तीन काम होते हैं। नंबर एक, हमारे जो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो ये ट्रंक है, गोदाम है, तो भोजन यहाँ से जाकर इस पाइपलाइन के द्वारा इस गोदाम में इकट्ठा हो जाता है और चार घंटे विश्राम करता है। उस चार घंटे में तीन काम होते हैं भाई साहब। पहला काम तो ये होता है कि जो HCl है वो HCl उसकी अम्लीयता को बढ़ा देता है, क्योंकि भोजन अम्लीयता के माध्यम में ही पास होता है। दूसरा, HCl जो हमने कीटाणु जीवाणु छोटे 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 खा लिए, धोखे में रात में गोलगप्पे खा रहे थे, एक आध लपेट गया जीरे के चक्कर में, तो वो जो चला गया उसको HCl मारने का काम करता है। और तीसरा काम जो करता है HCl, वो उस भोजन को सड़ाने से रोकता है, और इसके अलावा HCl भोजन को गलाने का काम भी करता है। तेजाब है तो आप देखते हो भोजन को खाते हो, वो भोजन गलता है, तभी तुम्हारी आंत की क्रमा कुंचन गति के द्वारा उसका पाचन होता है, समझ गए ना। तो ये HCl अम्ल स्रावित होता है भाई साहब। चलो समझ में आ गया, ये था आपका आज का 11वां प्रश्न, जिसका उत्तर जिन लोगों ने ए दिया, वेरी गुड। अब शुरू करते हैं आज के 11वें के बाद आपका 12वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न समाप्त हुआ, 11वें के पश्चात आज का आपका 12वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 है। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी फर्म द्वारा उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि को क्या कहते हैं, कुल लागत में वृद्धि को क्या कहते हैं। चार विकल्प, सीमांत लागत, विकल्प लागत परिवर्ती लागत और चौथा विकल्प आपका औसत लागत। बताइए साहब आज का 12वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखते हैं। देखिए 12वें प्रश्न का उत्तर किसका क्या आ रहा है देखते हैं। रोहित चौधरी नमस्कार, मार्जिनल वैल्यू एंड ठाकुर, रोहित वर्मा का उत्तर है
रोहित चौधरी का उत्तर बी, सौमवीर सिंह का उत्तर ए, मुनीष यादव का उत्तर ए, और देखते हैं लगाइएगा। रोहित चौधरी सर कल के लिए ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन की जाए, तो आपको टाइम टेबल मिल गया होगा इसी यूट्यूब के कम्युनिटी पर, आपको कल का पूरा सेशन मिल चुका होगा। कल के लिए जो आपका सेशन है 1 जुलाई से 8 बजे से 9 बजे तक सुबह करंट अफेयर्स है, और आपका 10:20 से 11 बजे तक आपका हिस्ट्री का क्लास है। इसके अलावा शाम को 4 बजे से 5 बजे तक आपका मैथ्स का क्लास, और आपका शाम को 7 बजे से 8:30 तक आपका जीके लाइव टेस्ट, ये आपका फ्री क्लास है, और ये सब आपको यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है जैसे कि इस समय है। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक सीटेट का बैच, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आपका जेल वार्डर का बैच और यूपीपी फायरमैन का बैच, इसके अलावा आपका 2 बजे से 4 बजे तक आपका बीओ खंड शिक्षा अधिकारी और नेट का बैच, ये सब बाकी और बैच जो है, जो इस टाइम को छोड़कर और बैच जो लग रहे हैं वो सब पेड है, यानी कि उनको आपको फीस जमा करनी होगी, वो फ्री नहीं है। उनमें आपको असाइनमेंट, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी सुविधाएं होंगी। और जैसे यूट्यूब पर तो आप केवल हमें सुन सकते हैं, हमें देख सकते हैं, चैट कर सकते हैं, और उसमें आप हमें भी सुन सकते हैं, हम आपको भी सुन सकते हैं। और इसके लिए आपको हमारे नंबर पर फोन करना होगा या व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर आपको पता ही है, एक बार फिर से बोल देते हैं 9758771971। तो इस पर आपको हमसे बात करनी होगी, तो जिस बैच में आप चाहेंगे उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन स्टडी साई एक्सीलेंट कोचिंग का मोबाइल ऐप एक और डाउनलोड करना होगा। 2 ऐप है हमारे पास, एक तो साई एक्सीलेंट कोचिंग का मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर पर, और एक ऑनलाइन स्टडी साई एक्सीलेंट कोचिंग का है। तो ऑनलाइन स्टडी वाले पर ये आपको पेड कोर्स मिलेंगे। तो चलो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि किसने क्या दिया है। पहले इस प्रश्न को समझा देते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, लेकिन भारत के अंदर इकोनॉमिक्स को ठीक से नहीं किया जाता, ये मिक्स कर दिया गया, इसलिए जबकि इकोनॉमिक्स ही तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिएगा, किसी फर्म द्वारा उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि करें, इसका मतलब क्या है? देखिए जी, इस भारत के उत्तर भारत में जो हिंदी बोली जाती है वहां पर एक मुहावरा होता है, और उस मुहावरे को कहा जाता है कि चढ़े घने पर एक कचौड़ी और सही। मतलब समझो, चढ़े घने पर एक कचौड़ी और सही, तो इसका मतलब क्या है? चढ़े घने पर एक कचौड़ी और सही, ये मुहावरा बोला जाता है। इसका मतलब है कि जैसे आपके घर कढ़ाई में कचौड़ी पूड़ी आदि बन रही है, अब आपके घर पर 10 रिश्तेदार हैं, और 10 रिश्तेदारों के लिए आपकी यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है, तभी 2 रिश्तेदार और आ जाते हैं, तो आपको अलग से कढ़ाई में तेल नहीं डालना है, आपको अलग से सिलेंडर की व्यवस्था नहीं करनी है, आपको अलग से और ज्यादा व्यवस्था नहीं करनी है, बस थोड़ा सा आटा और गूंथना है। तो इसको कहा जाता है कि और उत्पाद बढ़ा दिया उसी यूनिट पर। तो इसका मतलब है कि आपकी जो लागत थी, शुरुआती लागत तो थी नहीं, वो अंत में बीच में आपकी लागत आई। तो ऐसी कंडीशन में जो लागत आपको प्राप्त, जो लागत में वृद्धि हुई, वो लागत आप कैसे प्राप्त करोगे कि वृद्धि का हो, सीमांत, सीमा के अंत में लागत। तो अर्थात उस लागत को जो कहा जाता है वो सीमांत लागत कहा जाता है। तो इस प्रकार की लागत जो किसी फर्म द्वारा उत्पाद के अतिरिक्त यूनिट पैदा करके, यानी कि जैसे आपकी ब्रेड की फैक्ट्री है, तो आप 50 पैकेट तो बना ही रहे थे, लेकिन आपने बाकी सामान तो 50 पैकेट के हिसाब से जोड़ लिया था, आपने एक अतिरिक्त यूनिट मतलब एक पैकेट और बना लिया, 51 पैकेट बना दिए, तो एक पैकेट के लिए जो आपके अंत में लागत होगी वो लागत आपकी कौन सी लागत कहलाएगी? तो वो आपकी लागत मार्जिनल, यानी कि आपकी सीमांत लागत कहलाएगी। तो समझ में आ गया ना? तो चलिएगा रोहित चौधरी गुरु, थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा है, ऐसा तो नहीं है भाई, चलो सही कर लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा अब, तो इस प्रश्न का आपका उत्तर समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया, सभी के क्लियर हो गया साहब। तो ये था आपका जो है मार्जिनल, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल, तो जो आपकी मार्जिनल है उसको सीमांत लागत भी कहते हैं। बिल्कुल जी, तो सीमांत का हाशिए या मार्जिनल की बात करी जाती है, तो उसको सीमांत लागत का शब्द का भी इस्तेमाल
कहीं कहीं किया गया है। तो चलिए साहब, ये था आपका आज का 12वां प्रश्न। अब शुरू करते हैं आज का आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न की बात करते हैं, मार्जिनल हाशिए सबसे ही बना है। चलो साहब, अब बात करते हैं आज के आपके 13वें प्रश्न की। ये था आपका 12वां प्रश्न। शुरू करते हैं आज के सेशन का आपका 13वां प्रश्न। फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा होता है? फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा होता है? आपका आज का 13वां प्रश्न। फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा होता है? चार विकल्प। पहला विकल्प क्यूलेक्स मच्छर, दूसरा विकल्प स्वैंप मच्छर, तीसरा विकल्प एडीज मच्छर, चौथा विकल्प एनाफिलीज मच्छर। तो आज का आपका ये 13वां प्रश्न बताना है तेजी से। 13वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है। देखिए साहब, 13वें प्रश्न का उत्तर देखें। ज्यादातर लोगों ने 13 का उत्तर ही दिया है, कुछ ने केवल डी दिया है। तो पूजा भारती का उत्तर ही, बिलाल खान का उत्तर क्यूलेक्स मच्छर, एन ठाकुर कलक कौलक किलो को ही लिखा है इन्होंने, मुनीष यादव का उत्तर ए दानिश फातिमा का क्यूलेक्स मच्छर। तो चलिएगा, हाथी पाव बीमारी हो जाती है बिल्कुल फाइलेरिया में। देखिए फाइलेरिया मच्छर, फाइलेरिया जो बीमारी है उसमें सूजन आ जाती है हाथ पैरों पर, तो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ही होता है। एडीज मच्छर के द्वारा आपका डेंगू, और एनाफिलीज मच्छर के द्वारा आपका मलेरिया फैलता है। तो एनाफिलीज मच्छर मलेरिया के लिए, एडीज मच्छर डेंगू के लिए, और क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया के लिए जाना जाता है। ये था आपका 13वां प्रश्न। चलते हैं अब आपके आज के 14वें प्रश्न की ओर। तो आपका आज का 14वां प्रश्न बताना है कि आपका 14वां प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? किनके बीच लड़ी गई थी? तो 14वां प्रश्न आपके सामने है आज का। 14वें प्रश्न का उत्तर बताना है, चार विकल्प। पहला विकल्प है मुगल और अफगान, दूसरा विकल्प है मराठा और राजपूत, तीसरा विकल्प है मराठा और अफगान, चौथा विकल्प है मराठा और मुगल। देखते हैं साहब आज का आपका 14वां प्रश्न, बताइएगा। देखते हैं इस 14वें प्रश्न का सही उत्तर किसने दिया है। आज का आपका 14वां प्रश्न लगाइएगा, देखते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चौदहवें का उत्तर, मराठा और अफगान। बिलाल खान का उत्तर तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। एन ठाकुर का उत्तर सी, बॉबी सागर का उत्तर सी। बता दिया जाए आपको कि मराठा पेशवा विश्वनाथ
और अफगानी अहमद शाह अवदाली, इन दोनों के बीच में सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। यह तृतीय युद्ध भारत के इतिहास में ऐतिहासिक युद्ध था, इतिहास को बदलने की ताकत रखता था। कुछ बहुत बड़ी बात है लेकिन छोटी सी बात बताऊंगा। क्या था, जैसे यहां पर दिल्ली, और इस दिल्ली में आपका मुगल सम्राट शासन कर रहा था, इधर तो अफगान से अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को लूटने चला, और इधर मराठा महाराष्ट्र से दिल्ली पर सत्ता काबिज करने चले। क्योंकि पहले रोड तो थे नहीं, तो नदियां ही रोड होती थी, नदियों के किनारे किनारे ही लोग रास्ता तय करते थे। तो यहां पर पानीपत के मैदान में अफगानों ने तो समझा कि ये मुगल सेना है, मराठों ने समझा ये मुगल सेना है, मराठे नहीं समझ पाई अफगानी है, और अफगानी नहीं समझ पाई ये मराठे हैं। दोनों ही ताकतवर थे, और जब तक दोनों को ये पता लगा कि यार हमें इनसे लड़ने थोड़े हैं, हम तो मुगल सेना से लड़ने आए हैं, तो जब तक तो बहुत कुछ निबट चुका था। दोनों के हौसले इतने पस्त हो चुके थे कि अब आगे बढ़ने की हिम्मत दोनों में से किसी की नहीं रही। उधर अहमद शाह अब्दाली के उधर गृहयुद्ध हो गया, तो उसे वापस जाना पड़ा, और मराठे महाराष्ट्र लौट गए, और इस तरह से दिल्ली पर मुगल सम्राट का शासन रहा। और 1761 के बाद उधर 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज थोड़े ताकतवर हो रहे थे, उन्होंने धाय से इसका 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया। और यदि इस युद्ध में यदि अफगान जीत जाते या फिर मराठे जीत जाते, तो मुगल सम्राट इतना ताकतवर नहीं था कि उनको दिल्ली आने से रोक सकता था। तो या तो भारत पर मराठाओं का कब्जा होता, और या फिर भारत पर अफगानियों का कब्जा होता, लेकिन अंग्रेजों का नहीं होता। क्योंकि अंग्रेजों ने जिस तरह से 1764 के युद्ध में शाह आलम द्वितीय को हरा दिया, उस तरह से अंग्रेज ना तो अहमद शाह को हरा पाते, और ना पेशवाओं को हरा पाते, मराठों को हरा पाते। तो भारत के इतिहास में ये जो युद्ध था, ये युद्ध एक बहुत बड़ा भूचाल था, लेकिन दोनों ही गलत फहमी का शिकार हुए, और लिहाजा मराठे और अफगान दोनों ही लड़े युद्ध, लेकिन दोनों का मकसद कुछ और था, और दोनों ही गलत फहमी का शिकार होकर पानीपत का भयंकर युद्ध इतिहास में दर्ज हो गया, और दोनों जिस मकसद से निकले थे बिना पूरा किए वापस लौटना पड़ा दोनों को। ये था आपका आज का इस सेशन का आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 14 था। चलो साहब, अगला प्रश्न नंबर आपका 15 है, तो 15वां नंबर प्रश्न शुरू करते हैं। आज का 15वां नंबर प्रश्न है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। चार विकल्प, कर्नल अलकाट, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लगाइएगा 15वां प्रश्न, देखते हैं। तो 15वें प्रश्न का उत्तर, सोनीपत भी हरियाणा में ही है। हाँ जी, पानीपत हरियाणा के पानीपत राज के बाद विलेज है जहां युद्ध हुआ था। हाँ जी, पहला पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। हाँ जी, 1526 में। दूसरा 1556 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये पानीपत का तृतीय युद्ध, तीन युद्ध हुए थे।
तो चलिएगा विकास राघव का उत्तर 15 का अल्काट और एनिमेशन। अब हम आपको बता देते हैं कि क्या था इसका मतलब, सुन लीजिएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में, इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल अल्काट के द्वारा की गई थी। तो फिर से सुनो, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1875 में, कहां की गई थी, न्यूयॉर्क में, किसके द्वारा, कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावाट्स्की के द्वारा। तो इसका उत्तर ए है। और अगर यहां आ जाता भारत में, तो भारत में एनी बेसेंट के द्वारा 1882 में अडयार में की गई थी, मद्रास में। अगर ये प्रश्न हो जाता या भारत दे देता तो आपका उत्तर अडयार 1882 एनी बेसेंट, लेकिन इसने भारत नहीं दिया तो इसका मतलब पहले वाले ही पूछ रहा है। तो उसमें थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल अल्काट ने की थी। तो ये था आज का 15वां प्रश्न। अब मैं 5 प्रश्न और ली पूछूंगा, क्योंकि समय देर हो जाती है, कोई बात नहीं। तो समझ में आ गया जिन लोगों का उत्तर सही है, वेरी गुड। एन ठाकुर, बिलाल खान, ए भी, चलिए सब वेरी गुड, सीखने आए हैं, सब सीखो। 5 प्रश्न का उत्तर आपको ऐसे ही देना है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगा साहब, बहुत ही मजेदार भी होंगे, ठीक है ना। तो आज का 16वां प्रश्न टाइप कर लो, 16 है, और उत्तर खट्टे से देना, ठीक है ना। नाम बताने हैं बस, केवल मैं ऐसे प्रश्न दूंगा जिनको आप उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हो। तो आज का आपका 16वां प्रश्न है मेरे आपके लिए, 16वां प्रश्न है, भारत में लघु राष्ट्रीय गान गाने का कितना समय निर्धारित है। आज का 16वां प्रश्न, भारत में लघु राष्ट्रीय गान गाने का कितना समय निर्धारित है। देखते हैं किसका प्रश्न का उत्तर आ रहा है। 16वां प्रश्न आपके सामने, 20 प्रश्न कराऊंगा तेजी से, तो 16वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। तो प्रश्न है 16वां, रोहित वर्मा का उत्तर 52 सेकंड, एन ठाकुर का उत्तर 52 सेकंड, नदीम मोहम्मद सैफी का उत्तर 52 सेकंड। प्रश्न सुनिए एक बार फिर से, भारत में लघु राष्ट्रीय गान गाने का समय है। तो दानिश महात्मा का उत्तर 52 सेकंड, विकास राघव का उत्तर 20 सेकंड, बंटी यादव का 52 सेकंड, अश्विनी मौर्य का 52 सेकंड, पिंकी चौधरी का 52 सेकंड, बिलाल खान एवी का 52 सेकंड, पाल साहब गुड्डू सिंह का 52 सेकंड, बबी सागर का उत्तर 52 सेकंड, ई लर्निंग क्लासेस का उत्तर 52 सेकंड। भाई साहब, इनमें से जितने लोग हैं इस समय 19 लोग लाइव है, 19 लोगों में से केवल एक व्यक्ति का आंसर सही है, विकास राघव का, 20 सेकंड। मैंने कहा था लघु राष्ट्रीय गान गाने का समय, राष्ट्रगान का नहीं पूछा था, लघु राष्ट्रगान का पूछा था। तो लघु राष्ट्रगान का समय 20 सेकंड है और राष्ट्रगान का समय 52 सेकंड है। तो इस प्रश्न में से केवल एक का उत्तर सही आया था हमारा उत्तर देने से पहले। फिर इसके बाद अब उत्तर दानिश महात्मा, मुनीष यादव, बिलाल खान, ई लर्निंग क्लासेज और रोहित वर्मा, तो सबका आ ही जाएगा। चलो, तो मजा आया, समझ में आया ना। अब बात करता हूं 17वां प्रश्न आज का, 20 प्रश्न तो कराऊंगा ही, 20 से नीचे तो होने ही नहीं, समझौता ही नहीं 20 से पहले। तो साहब क्वेश्चन टॉपिक बड़ा खिंच जाता है, तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने में समय तो समय ही लगता है। तो हम लोग क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देते, लेकिन क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते, यही एक्सीलेंट कोचिंग है। तो चलिए, पिंकी चौधरी का उत्तर 20, आज का आपका 16वें के बाद 17वां प्रश्न है कि मानव का एक स्वप्न पूरा होने में कितना औसत समय लगता है। एक स्वप्न पूरा होने में कितना औसत समय लगता है, यानी कि एक स्वप्न का मतलब है कि आप 18 बार सांस लेते हो एक मिनट में औसत, तो लगभग एक सांस लेने में कितना समय लगता है। ये आपका आज का 17वां प्रश्न है, एक सांस के पूरे होने में कितना समय लगता है। सांस का मतलब है आना और जाना, बताइएगा। 17वां प्रश्न का उत्तर, रोहित वर्मा का उत्तर 8 सेकंड, देखते हैं भाई साहब, जल्दी बताइए तेजी से। बिलाल खान का उत्तर 17वां, क्वेश्चन मार्क लग गया, रोहित वर्मा का 8 सेकंड, मुनीष यादव का उत्तर 3 सेकंड, और लगाइए तेजी से लाइए। प्रश्न का उत्तर देखता हूँ किसका उत्तर आ रहा है, और नदीम सैफी का उत्तर 17 का 4 सेकंड, बता देता हूँ। देखिएगा, हम जो सांस लेते हैं तो लेते 3 सेकंड में है, छोड़ते 2 सेकंड में है, औसत 5 सेकंड लगते हैं। ओके, औसत 5 सेकंड लगते हैं एक सांस कंप्लीट करने में। ये था आपका 17वां प्रश्न। आज का 18वां प्रश्न फिर शुरू होता है। तो 18वां प्रश्न है आपका,
और आपको बताना है आज का 18वां प्रश्न कि मानव शरीर के हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रुधिर बहता है, दाएं भाग में या बाएं भाग में, लेफ्ट या राइट, ये लिख दो बस। तो लेफ्ट या राइट ये लिखना है। तो प्रश्न है, फिर से सुनिएगा, मानव शरीर के हृदय में कौन से भाग में प्योर शुद्ध रुधिर बहता है, जल्दी से बताइए साहब। 18वां प्रश्न जल्दी बताइएगा, 18वां प्रश्न। तो दानिश फातिमा का उत्तर लेफ्ट साइड, रोहित चौधरी का उत्तर लेफ्ट साइड, मुनीस यादव का उत्तर लेफ्ट साइड, करेक्ट आंसर भाई लेफ्ट साइड। यानी कि सबको पता है, सबके पास हृदय है और हृदय का भरपूर आनंद लेते हो, चलो भाई तो लेफ्ट साइड सही है। तो चलिए साहब 18वां प्रश्न समझ में आ गया। आज का 19वां प्रश्न, और 19वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने का कितना समय निर्धारित है। आज का 19वां प्रश्न तेजी से, भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने का कितना समय निर्धारित है, बताइए तेजी से। आज का 19वां प्रश्न, एन ठाकुर का उत्तर लेफ्ट साइड, बाबू साहब का उत्तर लेफ्ट, वेरी गुड। तो चलिएगा बताइए भाई साहब, भारत में राष्ट्रीय गीत के गाने का कितना समय निर्धारित है। तो चलिए 19वें का उत्तर, विकास राघव का उत्तर 65, वेरी गुड। चलिए रोहित वर्मा का उत्तर 52 सेकंड, और बताइएगा, चलिए बताइए तेजी से, तेजी से बताइए, और देखते हैं, और देखते हैं, लगाइएगा, और देखते हैं किसका उत्तर सही आया है, लगाइएगा तेजी से, और देखिए किसका उत्तर आ रहा है सही। आपका और देखिए साहब, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर देने वाले हैं उनमें बॉबी सागर 5 मिनट, सुनील कुमार का उत्तर लैब, अच्छा उसका उत्तर आ रहा है लर्निंग क्लासेस का 65 सेकंड, इंजीनियर इकबाल अली का 65 सेकंड, और नदी मोहम्मद सैफी का 5 मिनट नहीं भाई साहब 65 सेकंड। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड दिया है, वेरी गुड। और अब आज का लास्ट प्रश्न बताना है आपको कि अब तक भारत में कितने उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यानी कि फिर से सुनिए प्रश्न, आज का 20वां प्रश्न, भारत में अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, बताइएगा। भारत में अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लगाइएगा तेजी से, देखते हैं। रोहित वर्मा जी थैंक्स, थैंक यू। ओके, एन ठाकुर का उत्तर 52 सेकंड, नहीं भाई साहब उसका उत्तर 65 सेकंड, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगणमन। तो राष्ट्रगान 52 सेकंड और राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड। हमारा प्रश्न सुनिए फिर से, आज का 20वां प्रश्न है कि भारत में अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये है हमारा आज का 20वां प्रश्न, देखते हैं। तो 20वें प्रश्न का उत्तर, बिलाल खान बाबू का उत्तर 8, विकास राघव का उत्तर 1, रोहित वर्मा का उत्तर 1, नदी मोहम्मद सैफी का उत्तर 3, मुनीस यादव का उत्तर 1, ई लर्निंग क्लासेस का उत्तर 1, इंजीनियर इकबाल अली का उत्तर 1, एन ठाकुर का उत्तर 7, बॉबी सागर का उत्तर 24, दानिश फातिमा का उत्तर 1, अश्विनी मौर्य का उत्तर 1, एन ठाकुर का 7, बिलाल खान, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह पटेल 7 होंगे। चलो चेक करते हैं, बताइएगा और देखिए और किसका उत्तर आ रहा है। तो बाकी लोगों का उत्तर, जिन लोगों का उत्तर आ गया, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 7। तो फिर से सुन लीजिएगा, एन ठाकुर का उत्तर सही आया है 7, और बिलाल खान ने भी उत्तर 7 सही दिया है, बाकी लोगों का उत्तर 7 नहीं आया। तो कौन कौन से 7 है सुन लीजिएगा। नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। नंबर 2 मोरारजी देसाई, भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री थे। और नंबर 3 भारत में चौधरी चरण सिंह, भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री थे। नंबर 4 जगजीवन राम, भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री थे। 5 में यशवंत राव चव्हाण, ये 5वें उप प्रधानमंत्री थे। और 6ठे उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, और 7वें उप प्रधानमंत्री अंतिम लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो इसके बाद कोई उप प्रधानमंत्री, भारत में उप प्रधानमंत्री का पद कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। भारत में उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन केवल इसलिए किया गया ताकि राजनीतिक संतुलन बना रहे। मतलब जैसे आपकी पार्टी का बहुमत नहीं बन पा रहा था, दूसरी पार्टी से मिलकर के गठजोड़ करके आप बहुमत बनाना चाहते थे, तो क्या हुआ, दूसरे पार्टी ने कहा कि भैया हम तो नहीं, हमें तो प्रधानमंत्री बनाओ, तो समझौता कर लिया, कोई बात नहीं यार तू प्रधानमंत्री हो जा, तो प्रधानमंत्री बना लिया। लेकिन उप प्रधानमंत्री का कोई भी संवैधानिक रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी उप प्रधानमंत्री का रोल है। क्या रोल है सुन लीजिएगा, भारत का उप प्रधानमंत्री अब तक जितने भी बने हैं वो जरूर वो बने हैं जो किसी और कैबिनेट मंत्री का पद भी उनके पास रहा है, पहली बात बना है। दूसरी चीज, भारत के उप प्रधानमंत्री अब तक वो बने हैं जो
भारत में राजनीतिक दल या दूसरे राजनीतिक दल के पहले नंबर के या उसी राजनीतिक दल के दूसरे नंबर के व्यक्ति थे। तीसरी बात, भारत में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में कैबिनेट की अध्यक्षता कर सकता है, क्योंकि की गई है। चौथी बात, भारत में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु के समय प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण कर सकता है, लेकिन अब तक ऐसी नौबत आई नहीं है, अब तक ऐसी नौबत नहीं आई भाई साहब। तो समझ में आ गया ना? तो ये था आज का 20वां प्रश्न। इसी के साथ ये सेशन समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस तरह का सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि तो ये 5 क्वेश्चन अगर मैं लिखता तो करीब 20 मिनट में निपटते, और मैंने बिना लिखे इनको टाइम कम कर लिया, 10 मिनट में निपटा लिया, लेकिन समझाया मैंने पूरा। समझाने में कहते हैं कोई कोताही नहीं बरती है। तो चलिएगा, ई लर्निंग क्लासेस गुड नाइट, अश्विनी मौर्य गुड नाइट। तो सभी लोगों के लिए एक बार फिर से गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।